सो इन टुडेज़ लैक्चर वी विल भी डिस्कसिंग अबाउट कंडीशन एंड वॉरंटी कंडीशन एंड वॉरंटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड इट इज़ आस्क इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम की वॉट इज द डिफरेंस वॉट इज़ कंडीशन एंड वॉरटी इन एक्चुअली एंड वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वॉरटी वॉट आर इम्प्लॉइड कंडीशन वॉट आर इम्प्लॉयड वॉरंटीज सो एवरीथिंग वी विल भी डिस्कसिंग इन टुडेज़ लैक्चर ठीक है The first and the foremost thing is what is a war, a condition or warranty? A stipulation in a contract of sale with reference to a good which are the subject thereof may be a condition or warranty. A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. आ वॉरंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेट्रल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू अ क्लेम फॉर डैमेज बट नॉट टू अट टू रिजेक्ट द गुड्स एड एंड द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड ठीक है तो बेसिकली ऐसा समझ में नहीं आएगा कि वॉट इज कंडीशन वॉरंटी तो सबसे पहले हम इन अलग अलग टर्म्स को जो इसमें यूज हुए हैं उनको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज जो है वो है स्टिपुलेशन स्टिपुलेशन का क्या मतलब होता है स्टिपुलेशन का मतलब होता है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंशियल विच यू वॉन्ट इन अ पर्टिकुलर गुड ठीक है जो गुड की सबसे ज़्यादा एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हैं जो आपको उस गुड good, गुड्स में चाहिए दैट इज़ द स्टिपलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड ठीक है स्टिपुलेशन इज़ अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं आप मार्केट में जाते हो आपको एक 12 मेगा पिक्सल का फ़ोन ख़रीदना है ठीक है तो आप, आप, आप अपने दिमाग में कंडीशन ले जाते हो कि stipulation ले कर जाते हो कि मुझे मार्केट से एक 12 मेगा पिक्सल का कैमरा खरीदना है ठीक है तो ये आपकी मेन ये क्या हो गई ये एक स्टिपलेसन हो गई एक रिप्रेजेंटेशन आप अपने माइंड सेट करके जा रहे हो कि जो गुड्स होनी चाहिए जो फ़ोन होना चाहिए उसके अंदर एक 12 मेगापिक्सल का कैमरा होना चाहिए आप मार्केट गए आप बायर आप सेलर के पास पहुंचे आप उसको बताते हो कि भैया मुझे अपने फ़ोन के अंदर कम से कम बारह मेगा चाहिए वो आपको बारह मेगा का कैमरा दिखाता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि भाई इस पर्टिकुलर फ़ोन में चार रैम भी है ठीक है और अब ये दोनों क्या हो गई एक तरीके की स्ट्यूपुलेशन हो गई ठीक है ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कंडीशन एंड वारंटी को तो ये दोनों चीज़ें क्या हो गई ये स्ट्यूपुलेशन हो गई चार जी बी रैम भी एक स्टिपुलेशन हो गई और बारह मेगा पिक्सल का कैमरा भी एक स्ट्यूपलेशन हो गया एक क्वालिटी हो गई ठीक है कैमरा की ठीक है लेकिन अब आपके हिसाब से मेन क्वालिटी क्या है उसके अंदर मेन कंडीशन क्या है आपकी मेन कंडीशन इज दैट इट शुड हैव 12 मेगापिक्सल कैमरा यू आर नॉट कंसर्न विद रैम एट ऑल इतना आप रैम से कंसर्न नहीं हो रैम थोड़ा उन्नीस बीस होगा तो भी चल जाएगा लेकिन मेन चीज़ क्या है आपने मेन चीज़ ट्वेल्व मेगा का कैमरा है ठीक है अब स्ट्यूपलेशन क्या हो गई ये दोनों चीज़ें दोनों कंडीशन स्टलेशन हो गई कैमरा भी और रैम भी लेकिन जो मेन स्ट्युपलेशन है जो कि मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है ठीक है जो कि मेन कंडीशन है जो उसके अंदर होनी ही चाहिए आपके अकॉर्डिंग दैट इज़ ट्व मेगा पिक्सल तो ये ट्वेल्व मेगा पिक्सल क्या हो गई अ कंडीशन इज़ अ स्टेपलेशन एजेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का यहाँ पर मेन पर्पस क्या है मेन एजेंशियल uh, क्या है वो कंडीशन uh, वो स्टिपुलेशन क्या है कि उसके अंदर बारह मेगा पिक्सल कैमरा होना चाहिए ठीक है तो ये अगर उसके अंदर 12 मेगापिक्सल का कैमरा नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आप रेप्यूडेट कर सकते हैं ठीक है थीके? ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू आर राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपेटेड क्यों क्योंकि आपको बारह पिक्सल का कैमरा उस फोन के अंदर चाहिए ही चाहिए था तो अगर उस फोन को आप बॉड करते हैं बात को आपको पता चलता है कि इसके अंदर बारह मेगा पिक्सल का कैमरा नहीं है तो दैट इज अ कंडीशन इज अ स्टलेन एजेंशियल टू द मेन पर्पज़ ऑफ द कॉन्ट्रेक्ट आप फ़ोन लेने ही बारह मेगा पिक्सल के कैमरे के लिए गए थे तो अब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई उसकी स्टिपुलेशन क्या कंडीशन क्या हो गई कि ये दिस इज़ अ कंडीशन इसी को कहते हैं कंडीशन ठीक है कि भाई मेन पर्पज़ ही फ़ोन को खरीदने का बारह मेगा पिक्सल कैमरा होना चाहिए तो अगर आप वो फ़ोन बॉड ले खरीद कर ले आते हैं और उसके अंदर बारह मेगा पिक्सल का कैमरा नहीं होता है तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन हो गया इसी को कहते हैं कंडीशन और अगर ऐसी चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही तो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकते हैं ठीक है थीके? अब दूसरी चीज़ क्या आती है चार जी रैम चार जी बी रैम आपके मन में नहीं था कि भाई चार जी बी रैम ना हो तो भी मैं एडजस्ट कर सकता हूँ मैं तीन जी बी रैम से भी एडजस्ट कर सकता हूँ तो ये क्या हो गई ये हो गई एक तरीके की स्टिपुलेशन दैट इज़ कोलेट्रल टू मेन पर्पज़ ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट ठीक है ये वो स्टिपुलेशन हो गई ये वो एजेंशियल कंडीशन हो गई जो कि कलेटरल टू द मेन पर्पज़ ऑफ़ द कॉन्ट्रैक्ट है इसी को हम कहते हैं वारंटी कि चार जी बी रैम नहीं है तीन जी बी रैम होगा तो भी काम चला लूंगा तो इसको क्या चीज़ कहेंगे ये मेन पर्पस से कोलेट्रल है ये जो स्टिपुलेशन दोनों चीज़ें स्टिपलेन थी बारह मेगा पिक्सल भी स्ट्रिपुलेशन थी और चार जी बी रैम भी स्ट्रिपुलेशन था लेकिन आपका मेन पर्पस क्या था कैमरा क्या फ़ोन को खरीदने का कि इसके अंदर बारह मेगा पिक्सल कैमरा होना चाहिए तो ये क्या हो गई ये हो गई कंडीशन दूसरी चीज जो चार जी बी रैम थी वो वलेट्रल टू द कॉन्ट्रैक्ट थी तो इसको हम क्या कहेंगे इसको हम कहेंगे वारंटी के अगर चार जी की जगह तीन जी भी होगा तो आप उस चीज़ से काम चला लेंगे तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी इसी को कहते हैं कंडीशन और वारंटी अस्ट्यूपलेशन इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल विच रेफर्स टू गुड विच आर द सब्जेक्ट दे आर ऑफ मे बी अ कंडीशन और अ वारंटी ठीक है तो ये एक तरीके का एक स्ट्यूपुलेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट और वारंटी के बीच का नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ्रेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी और कंडीशन एंड वारंटी के बीच का डिफरेंस समझना अब इतना मुश्किल नहीं रहेगा सबसे पहली चीज़ कंडीशन में क्या होती है कंडीशन इज एजेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन जो है वो वो स्टिपुलेशन होती है या वो वो एजेंशियल होता है दैट इज़ एजेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट अगर वो कंडीशन ही फुलफिल नहीं होती है अगर वो स्टिपुलेशन ही फुलफ़िल नहीं होती है तो कॉन्ट्रैक्ट को रिपीजिएट किया जा सकता है जबकि वारंटी क्या होती है वारंटी इज कोलेट्रल टू कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट के कोलेट्रल होती है है तो वेल एंड गुड नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से रिपीजिएट नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं किया जा सकता है ठीक है दूसरी चीज़ है होल गुड कैन बी रिटर्न अगर कंडीशन फ़ेल होती है तो पूरी की पूरी गुड रिटर्न हो सकती है जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था कि मेन पर्पस क्या था फ़ोन को बाय करने का दैट इज़ 12 मेगापिक्सल कैमरा ठीक है अगर वही फुलफ़िल नहीं हो रही है मेन कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही है मेन स्टिपुलेशन ही फुलफिल नहीं हो रही है तो पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट रेपिजिएट हो जाएगा और ऐसी कंडीशन में आप गुड्स को पूरी तरीके से वापस कर सकते हैं और अपना अमाउंट ले सकते हैं लेकिन दिस इज़ नॉट द केस विद वारंटी वारंटी अगर फुलफ़िल नहीं होती है वो स्टिपुलेशन जो आपने ठीक है होगी तो ठीक है नहीं होगी तो इतना इफेक्ट पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पड़ेगा तो जैसे कि अभी हम रैम की बात करें तो चार जी बी की रैम नहीं है तीन जी बी की रैम उसके अंदर निकल के आई जबकि बात हुई थी चार जी बी की तो चार जी बी रैम जो है वो इतनी एजेंशियल स्टिपुलेशन नहीं थी ठीक है इट इज़ ओनली कोलेटल टू द कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसे केस में पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर 12 मेगापिक्सल पिक्सल तो कैमरा था ही जो कि मेन पर्पस था तो ऐसे कंडीशन में पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपिडेट नहीं होता वारंटी जब ब्रीच हो, होती है तो सिर्फ डैमेजेस या उ, मतलब उसके लिए कंपनसेशन लिया जा सकता है पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हो सकता गुड्स रिटर्न नहीं की जा सकती है ठीक है जैसे कि आज के टाइम में फ़ोन की एक साल की वारंटी दी जाती है तो उस केसेस में क्या होता है कि फ़ोन को सही करके दिया जाता है पूरा का पूरा फ़ोन चेंज नहीं होता है फ़ोन पूरा चेंज कब होगा उसके लिए कुछ अगर उसकी जो मेन एजेंशियल कंडीशन है वो ब्रिज होती है देन फ़ोन कैन बी चेंज ठीक है कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी बट ओनली इफ बायर वॉन्ट्स इट तो कंडीशन को अगर बायर चाहे कभी कभी द अनदर डिफरेंस इज़ कि अगर कंडीशन को कभी बायर चाहे वो खुद से उसको वेव ऑफ कर सकता है उसको एज अ वारंटी ट्रीट कर सकता है लेकिन दिट शुड बी बेस्ड ऑन द सोल कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ और बायर ओनली ठीक है ख़रीदने वाला अगर चाहे तो कंडीशन को कभी कभी एज अ वारंटी ट्रीट कर सकता है ठीक है लेकिन वारंटी कभी भी एज अ कंडीशन ट्रीट नहीं हो सकती है इसको अभी हम एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कंडीशन कैन भी कैसे एज अ वारंटी ट्रीट हो सकती है अगर बायर चाहे तो मान लो उसने 12 मेगापिक्सल पिक्सल की कैमरे की मांग की लेकिन उसके अंदर कैमरा निकलता है सिर्फ 10 मेगापिक्सल का तो ऐसी कंडीशन में उसके पास पूरी राइट्स है कि वो फ़ोन भी वापस कर सकता है क्योंकि ये एजेंशियल स्टिपलेशन थी लेकिन अब बाहर कह रहा है चलो ठीक है नहीं ये बारह मेगा पिक्सल का कैमरा होगा तो को कोई दिक्कत नहीं है तो मैं इसे एज अ वारंटी इस स्टिपलेसन को एज़ अ वारंटी समझ लेता हूँ और जो भी प्राइस का डिफरेंस है बारह मेगा पिक्सल का मान लो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कैमरा पंद्रह हज़ार का फ़ोन पंद्रह हज़ार का और दस मेगा पिक्सल वाला फ़ोन तेरह हज़ार रुपये का है तो मैं दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो ले लेता हूँ और अपनी राइट को वेव ऑफ़ कर देता हूँ कि भाई मुझे पूरा फ़ोन चेंज नहीं करना इस कंडीशन को आई कैन ट्रीट एज़ अ वारंटी और मुझे आ, दो हज़ार का जो डिफरेंस है वो वापस कर दिया जाए वो मेरा कंपनसेट कर दिया जाए तो ये क्या हो गया कि कंडीशन तो थी भाई बारह मेगा पिक्सल कैमरा होना चाहिए उसके पास राइट भी है वो पूरा फ़ोन वापस कर सकता है लेकिन स्टिल वो अगर बायर अगर चाहे तो इस कंडीशन को एज अ वारंटेड ट्रीट करके सिर्फ दोनों के बीच का जो डिफरेंस था उसको भी ले सकता है लेकिन वारंटी कभी भी कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं हो सकती है क्योंकि उसमें डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है अगर वारंटी ब्रीच होती है लेकिन पूरी की पूरी वो इतनी इजेंशल स्टिपुलेशन नहीं होती है उसी के ऊपर पूरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बेस नहीं होता है इसलिए वारंटी कभी भी एज अ कंडीशन ट्रीट नहीं हो सकती आप जैसे कि अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था कि रैम आपने नहीं मांगी थी सिर्फ आ, कैमरा मांगा था आपने बारह मेगा पिक्सल तो अगर रैम कम हो तो आप फ़ोन वापस नहीं कर सकते हाँ कंपनसेशन आपको थोड़ा सा उसके लिए जो भी कंसिडर होगा जो भी डैमेज होंगे वो आप क्लेम कर सकते हो ठीक है तो यही सेक्शन थर्टीन भी कहता है ये जो पूरी डिफरेंस है इसकी बात कौन सा सेक्शन करता है इसकी बात सेक्शन थर्टीन करता है कि वॉलेंट्री वेवर ट्रीडिंग कंडीशन एज अ फ्राइट ठीक है वॉलेंट्री अगर सेलर चाहे बायर चाहे तो अपनी कंडीशन को वेव कर सकता है और उसको एज अ वॉल्ट्री ट्रीट कर सकता है तो ये कौन सेक्शन में डिफाइंड है दिस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन थर्टीन ठीक है अब समझ में आ गई कि वॉट इज़ कंडीशन एंड वैन कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज वारंटी अब वारंटी और कंडीशन कितने टाइप्स के होते हैं वारंटी एंड कंडीशन आर ऑफ टू टाइप्स पहले तो होते हैं एक्सप्रेस एक्सप्रेस जो अभी हमने पढ़ा कि भाई बायर खुद जाता है और वो बता देता है कि भाई इस पर्टिकुलर चीज़ होनी ही होनी चाहिए ये पर्टिकुलर स्टिपुलेशन जो है इस पर्टिकुलर गुड्स में होनी ही चाहिए ठीक है तो ये क्या हो गई एक्सप्रेस कंडीशन हो गई ठीक है तो ये तो एक तरीके की एक्सप्रेसली मैंशनड है एक्सप्रेस जो कंडीशन होती है वो तो माननी ही माननी होती है लेकिन कुछ बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ एम्प्लाइड कंडीशन्स भी होती हैं ठीक है इम्प्लाइड कंडीशंस भी होती हैं जो कि एक गुड्स के अंदर होनी ही चाहिए अगर वो उसके अंदर नहीं होंगी तो भी वो कंडी तो भी बायर जो है उसको वे उस गुड को पूरी तरीके से रेप्यूडिएट कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से रेप्यूडिएट कर सकता है उस गुड को वापस कर सकता है अब वो इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी होंगी पहली थी हो गई एक्सप्रेस दूसरी हो गई इंप्लाइड इंप्लाइड कंडीशन कौन कौन सी होंगी सबसे पहली इंप्लाइड कंडीशन इज सेलर टाइटल कि भाई जब भी कोई गुड्स बेची जाएगी तो ये माना जाएगा कि जो उसको सेलर सेल कर रहा है उसके पास उसका टाइटल है टाइटल से क्या मतलब है कि वो उसका ओनर है ही इज द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर गुड्स ठीक है इसके ऊपर हमारे पास एक केस भी है रोलेंड वर्सेस डिवल इसमें क्या होती है सेलर एक कार को सेल करता है उस और बी उस कार को ख़रीद लेता है अब इसमें कंडीशन इम्प्लाइड क्या है कि भाई जब ए ने कार सेल करी है तो जाहिर सी बात है एक कार जो है वो एक ही होगी लेकिन कुछ टाइम के बाद डी आता है डी कहता है कि भाई ये कार मेरी चोरी हो गई थी बी से और ये कार मेरी है लिहाजा इसे मुझे वापस कर दो तो इस केस में क्या हुआ इस केस में भाई बी क्योंकि कार डी की है बी को उसको वापस करना ही पड़ेगा क्योंकि हमने प्रदर्शन में भी पढ़ा था कि प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा अच्छा टाइटल बेटर टाइटल होता है लेकिन बेस्ट टाइटल किसके पास होता है ओनर के पास होता है तो यहाँ पर ओनर को उसको वापस करना पड़ेगा लेकिन हाँ अब बी जो है वो ए को सू कर सकता है बायर जो है वो सेलर को शू कर सकता है और अपना सारा पैसा जो उसने उसको दिया था उसको वो वापस ले सकता है ठीक है तो ये पहली एम्प्लाइड कंडीशन होती है एम्प्लाइड कंडीशन ब्रिज होती है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट रेपीडिएट हो जाता है और वो चीज़ को वापस ले लेता है ले सकता है पूरा का पूरा कंपनसेशन ले सकता है तो इस रॉल इन वर्सेज डेवल वाले केस में ये चीज़ डिस्कस हुई थी सेलर टाइटल दिस इज एन एम्प्लाइड कंडीशन दूसरी इम्प्लाइड कंडीशन क्या है दूसरी इम्प्लाइड कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन दैट इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन ठीक है सेल बाई डिस्क्रिप्शन इज मैंशन अंडर सेक्शन फोर्टीन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसका क्या मतलब होता है सेल बाई डिस्क्रिप्शन का सेल बाई डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि भैया बायर जब जा रहा है किसी सामान को लेने के लिए किसी चीज़ को लेने के लिए तो मे भी पॉसिबल है कि उसके दिमाग में कोई एक्सप्रेस कंडीशन हो और मे भी पॉसिबल है कि उसके दिमाग में कोई एक्सप्रेस कंडीशन ना हो या फिर कोई एक्सप्रेस स्टिपलेशन हो या स्टिपुलेशन ना हो ठीक है तो अब वो बायर के पास अगर पहुंचता है और बायर उसको बताता है कि भाई इस चीज़ में ये ये खासियत है ये ये खासियत है ये ये चीज़ें हैं इसके अंदर ठीक है तो अब उसमें वो सेल क्या कर रहा है वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन कर रहा है वो अपने आप बता रहा है कि भाई इसके अंदर ये ये चीज़ें हैं तो जब बायर ख़ुद डिस्क्राइब कर रहा है कि इस प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर गुड के अंदर ये ये चीज़ें हैं तो ये एक इम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है अब वो चीज़ें उसके अंदर होनी ही चाहिए अगर वो नहीं होती हैं तो ऐसे केस में इसको ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन मान लिया जाएगा और बायर जो है वो पूरे गुड्स को रिटर्न भी कर सकता है इसमें केस है वैसली वर्सेस विप इसमें क्या होता है इसमें सेलर जो है वो बायर को एक स्विंग मशीन सेल करता है एक स्विंग मशीन वो बायर को सेल करता है ये कहकर कि ये सिर्फ़ एक साल पुरानी है अब बायर भी कुछ होता है कि भाई मुझे एक साल पुरानी मिल रही है सेकंड हैंड मिल रही है कोई दिक्कत नहीं मैं यूज़ कर लेता हूँ लेकिन बात को बायर को पता चलता है कि ये एक साल पुरानी ना होके कई उससे ज़्यादा कई साल पुरानी है तो ये अब क्या हो गई क्या बायर उसको सू कर सकता है बेशक उसको शू कर सकता है क्योंकि इट वॉज़ आ सेल बाय डिस्क्रिप्शन उसने पहले ही बता दिया था कि ये सेलर ने पहले ही कहा था कि ये सिर्फ एक साल पुरानी है तो अगर वो उस कंडीशन में एक साल से ज़्यादा पुरानी होगी तो ऐसी कंडीशन को कहते हैं एम्प्लाइड कंडीशन ये स्टिपुलेशन चिपलिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है इसलिए अगर ये ही नहीं फुलफ़िल होती है तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है ठीक है इसको कहते हैं एम्प्लाइड कंडीशन ठीक है अगला इसमें इंपॉर्टेंट केस है वर्ड वर्सेस हॉप का वॉट वर्सिस हॉप केस में क्या होता है बेसिकली जो सेलर होता है उसके बाद उसके पास कई सारे पिक्स होते हैं ठीक है सात आठ पिक्स होते हैं लेकिन उसने साथ ही साथ एक बोर्ड लगा रहता है विद ऑल फॉल्ट्स जिन उस बोर्ड के ऊपर लिखा होता है विद ऑल फॉल्ट्स कि इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी है पहले उसने बोर्ड लगा के बायर को बेवियर कर दिया होता है कि भाई जो भी खरीदेगा अपने रिस्क पर खरीदना है इसके अंदर कुछ कमी है सात आठ पिक्स होते हैं ठीक है अब बायर क्या करता है वो पिक्स को खरीद लेता है इस बोर्ड को देखने के बाद भी और उस सारे पिक्स में से एक पिक को टाइफॉइड होता है जो कि बाकी कैच कर बाकी पिक्स भी कैच कर लेते हैं और सारे पिक मर जाते हैं तो अब प्लान्ट शुरू कर देता है इस केस में ठीक है इस केस में कोर्ट क्या हेल्ड करती है इस केस में कोर्ट हेल्ड करती है कि सेल बाय डिस्क्रिप्शन किया था बायर ने सेलर ने उसने पहले ही बता दिया था कि इसके अंदर कुछ डिफेक्ट है तो अब ऐसी कंडीशन में इसको इम्प्लाइड कंडीशन नहीं माना क्योंकि तो सेलर ने सेल बाई डिस्क्रिप्शन की है ठीक है और उसने पहले ही इस चीज़ के अंदर कमी बता दी थी तो इसमें अब बायर सेलर को सू नहीं कर सकता है और सेलर को लाइबिल नहीं किया जा सकता है ठीक है अगला इसमें केस है निकोलन वर्सेस स्मिथ इस केस में क्या होता है इस केस में निकोलन जो होता है वो बेसिकली एक एंटीक बायर होता है और वो एक ऑक्शन में जाता है ऑक्शन में एक पर्टिकुलर चीज को बेचा जा रहा होता है एक पर्टिकुलर गुड होती है ये बता के कि दिस गुड बिलोंग्स टू सेवनटीन सेंचुरी कोई एंटीक आइटम होता है और जो सेलर होता है वो ये कह रहा होता है कि इसमें उसका ये दावा होता है उसका ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन होता है कि ये बिलोंग करती है सेवनटीन सेंचुरी से ठीक है तो जब बायर इसको ख़रीद लेता है यानी कि न्यूकुलन इसको खरीद लेता है उसके बाद जब वो उसको एग्जामिन करता है तो ये पता चलता है कि दिस एंटीक इज़ फ्रॉम एटीनथ सेंचुरी इट डज नॉट बिलोंग फ्रॉम सेवनटीन सेंचुरी तो अब वो उसके ऊपर केस कर देता है और केस में कोर्ट ये कहता है कि अगर आपने सेल बाई डिस्क्रिप्शन किया है तो वो जो आपने बताया है वो सच होना चाहिए बिकॉज इट इज़ एन एम्प्लाइड कंडीशन इट इज़ एन स्टिपुलेशन विच इज़ एन एम्प्लाइड कंडीशन एंड दस इट कैन रिजल्ट इन द रेपडिएशन ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो इस केस में फिर से कोर्ट यही हेल्ड करता है कि बायर जो है इसमें लाइबल है ठीक है तो ये क्या हो गई ये सेल बाय डिस्क्रिप्शन हो गई ये एक इम्प्लाइड कंडीशन होती है कोई बोले या ना बोले ये कंडीशन इम्प्लाइड होती है थर्ड काइंड ऑफ कंडीशन इज दैट इज मैं इन सेक्शन सेवेंटी सेल बाय सैंपल सेल बाय सेम्पल का क्या मतलब होता है सेल अगर आप कोई पर्टिकुलर गुड कोई सैंपल दिखाकर बेच रहे हैं ठीक है तो अगर कोई आप पर्टिकुलर गुड कोई सैंपल दिखाकर आप बेच रहे हैं तो ऑल द गुड्स शुड कंटेन सेम क्वालिटीज एज दैट ऑफ सैंपल जो उस सैंपल के अंदर क्वालिटी है वही सारे गुड्स के अंदर क्वालिटी होनी चाहिए बिकॉज इट इज़ एन एम्प्लाइड कंडीशन ठीक है ये एक एम्प्लाइड कंडीशन बन जाती है अगर सारे गुड्स के अंदर वो क्वालिटी नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट किया जा सकता है बिकॉज इट्स एन स्टिपुलेशन इजेंशियल थिंग इजेंशल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट ठीक है तो ये हो गई थर्ड इम्प्लाइड कंडीशन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मर्केंटाइल क्वालिटी मर्केंटाइल क्वालिटी का क्या मतलब होता है कि ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है मर्केंटाइल क्वालिटी का क्या मतलब होता है अगर कोई गुड खरीदी जा रही है तो जाहिर सी बात है वो गुड जब ख़रीदी जा रही है तो उसका मतलब बेसिकली यही है कि उस पर्टिकुलर गुड के अंदर क्वालिटी जो है वो मर्केंटाइल होनी चाहिए ठीक है मान लो आप कोई फ़्रिज ख़रीदने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी ये आप अब बताएंगे नहीं उसे कि भाई फ्रिज ख़रीदने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका पर्पस क्या होगा कि वो चीज़ों को ठंडा करे सही रखे ठीक है तो अब ये चीज़ तो आप जा उसको बताएंगे नहीं कि भाई मैं फ्रिज खरीदा हूँ और ये फ्रिज ठंडी करेगी ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है तो दिस इज़ दी मर्केंटाइल क्वालिटी जो गुड को ख़रीदा जा रहा है तो उस गुड के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए ठीक है अब ऐसी चीज़ें भी बताना जरूरी नहीं होता दीज आर एम्प्लाइड कंडीशन इसमें एक इंपॉर्टेंट केस है ग्रांड वर्जिस ऑस्ट्रेलियन निट कंपनी ऑस्ट्रेलियन निट कंपनी जो होती है बेसिकली वो शॉर्ट्स बनाती है अब इसमें जो बायर होता है वो शॉर्ट्स को बाय कर लेता है उसको पहनने के बाद उसको इचिंग प्रॉब्लम हो जाती है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर को वो ये दिखाता है कि भाई ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हुई तो वो बताता है कि आपको वो पर्टिकुलर शर्ट जो आपने पहने थे उसको पहनने से ये प्रॉब्लम हुई है और उसके अंदर से जो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो इरिटेशन कॉज करता है उसको नहीं निकाला गया था इस वजह से आपको स्किन रिएक्शन हुई है और उसको पहनने की वजह से आपको ये दिक्कत आई है तो अब इस केस में जब बायर्स सू कर देता है सेलर को तो कोर्ट ये हेल्ड करती है कि दैट गुड शुड बी ऑफ मर्केंटाइल क्वालिटी उसके अंदर मर्केंटाइल क्वालिटी होना इम्पॉर्टेंट है ठीक है आप ऐसे कोई कपड़ा नहीं बना सकते जो किसी की बॉडी को रिएक्शन करे और आप फिर बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई इन्होंने ऐसी कपड़ा मांगा नहीं था क्योंकि ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ठीक है कि अगर पर्टिकुलर कोई गुड कोई खरीद जाए तो उसकी के अंदर मर्केंटाइल क्वालिटी होनी चाहिए ठीक है तो दीज़ आर फोर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ठीक है एम्प्लाइड कंडीशंस अब हम बात करते हैं एम्प्लाइड वारंटी की एम्प्लाइड वारंटी क्या होती है कि फ्री फ्रॉम एनकम्प्रेंस इज़ नॉट नोन टू बायर जो भी गुड खरीदी जा रही है उसके अंदर बेसिकली कोई किसी और का कोई हिस्सा विस्सा नहीं होना चाहिए जो सेलर बेच रहा है वो गुड्स जो है वो पर्टिकुलरली किस सारे किसी और थर्ड पार्टी के एनकम्प्रेंस से फ्री होनी चाहिए फॉर एग्जांपल मान लो कोई अगर कोई सोने की चीज़ बेच रहा है तो ये ना हो कि वो गिरवी रखी हो किसी के पास ठीक है तो उसके अंदर किसी का हिस्सा बन रहा हो या कुछ नहीं गुड जो होती है वो बिल्कुल फ्री होनी चाहिए किसी भी तरीके की कोई भी एनकम्प्रेंस से और दूसरा जो वारंटी होती है वो यूजेज ऑफ ट्रेड के ट्रेड है ठीक है यूजेज का क्या मतलब होता है यूजेज बेसिकली जो उस पर्टिकुलर ट्रेड में तरीक़ा या प्रोसेस फॉलो होता आ रहा है ठीक है वो एम्प्लाइड वारंटी होती है कि अगर कोई चीज़ बिक रही है तो इसके अंदर इतना स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर इतनी पर्टिकुलर इस क्वालिटी की ये होनी चाहिए ठीक है या फिर जो भी उस पर्टिकुलर ट्रेड में यूज फॉलो होता आ रहा है तो वो यूज उसके अंदर होना चाहिए दिस इज़ एंड इम्प्लाइड वारंटी ठीक है तो दिस इज़ ऑल अबाउट वारंटी एंड कॉन्ट्रैक्ट